कुछ अरसे पहले मैं आपके पास दो कंगन बेचने आया था, याद है आपको? जी, आप किसी लेडी के साथ थे आई थिंक। जी, शादी हो गई आपकी माशाल्लाह से? नहीं, बस होने वाली। अच्छा, माशाल्लाह। मैं वो कंगन खरीदना चाहता हूँ दोबारा। अच्छा, तो वही वाले कंगन चाहिए? जी। बैठे सर। रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए। सो गई मंजिले, हम जुदा हो गए। सर ये तो नहीं थे? जी, यही थे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्लीज बिल कर। एक मिनट, साइम की कॉल है। जी प्लीज। जी जनाब। ऐसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स। क्यों, क्या हुआ? भाई जो खाने को दिल कर रहा था तुमने फौरन वही बनाकर भेज दिया। देख लें। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? ये बातें फोन पे करने की नहीं है, घर पे बैठ के आमने सामने बात करेंगे। Alright, I'll see you at night then. हाँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैं आपका वेट करूँगी। Alright, see you. Bye. दिन में कितनी बार साइम से आप कॉल करते हैं? गिना तो नहीं है, लेकिन यू समझोगे जैसे ही काम से ब्रेक मिलती है फोन उठा लेते। इसका मतलब है खूब निभ रही है। आइडियल, ख्वाबों वाली जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह। अल्लाह करे आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। आमीन। बस इस घर में परेशानी है तो सिर्फ एक है। वो क्या? नूर। नूर मेरे लिए घर में मसाइल पे मसाइल पैदा करती जा रही है। अब क्या कर दिया नूर ने? अब तो उसने अरसम को भी साथ मिला लिया है। तुम्हें आपा ने बताया तो होगा। मुझे अम्मी ने कुछ भी नहीं बताया। अरसम ने घर जाके मेरी शिकायत लगाई है अशरफ भाई से कि मैं नूर को दबा कर रखती हूँ, उसको तंग करती हूँ वगैरह वगैरह। इस बात पे अशरफ भाई इतना अपसेट हो गए कि उनका बीपी शूट हो गया। ओह माय गॉड। वो तो इधर आके मेरी बेइज्जती करने के लिए तैयार थे, भला वो आपा को जो उन्होंने उनको रोक दिया। एक तो अब्बू भी फौरन नूर की बात मान के एक्शन ले लेते हैं। इमाम को तुम्हारी बात भी मानते हैं। प्लीज उनको हकीकत का बताओ और उनका दिल मेरी तरफ से साफ करवाओ प्लीज। खाला आप फिक्र ना करें, मैं अब्बू से बात करती हूँ। आप परेशान मत हों बिल्कुल।